राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर और श्री कृष्ण गौशाला में गायों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 6 दिनों में करीब 60 से अधिक गायों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। शनिवार की अगर बात करें तो एक दिन में खिलचीपुर में करीब 15 गायों की मौत हुई है, जिसमें से खिलचीपुर की श्री कृष्ण गौशाला में 7 गायों की मौत हुई है, जिनके 100 गौशाला में पड़े हुए थे। इसी श्री कृष्ण गौशाला में बरसात में करीब 300 से अधिक गायों की मौत हुई है। बावजूद इसके अब फिर से गौशाला और नगर में गायों की मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि पशु चिकित्सक सूचना के बाद भी समय पर नगर में बीमार गायों का इलाज करने नहीं पहुंचते और इलाज के अभाव में गायों की मौत हो जाती है। वहीं पशु चिकित्सक का कहना है कि ठंड, भूख और पॉलिथीन खाने से गायों की मौत हो रही है। हालांकि गायों की मौत क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इस बात का पता नहीं चल सका है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर इन गौमाताओं की मौत का जिम्मेदार कौन है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आप? मनोज गुप्ता। मनोज जी, आप गौसेवक हैं? गौसेवक हूं खिलचीपुर में। तो ये खिलचीपुर में गायों की मौत हो रही है, कितनी गायों की मौत हुई है आज ही? आज 17 गाय की मौत हो चुकी है अभी तक। अच्छा, और अगर 6 दिन का अगर आंकड़ा लें तो? ये 60-65 गाय से ऊपर निकल गई 6 दिन के आंकड़े में गायों की मरने की संख्या। मरने की संख्या, क्यों मर रही है गाय? ये कुछ तो भूख के कारण, कुछ पन्नी और कुछ इलाज सही तरीके से मिल नहीं रहा है इनको। जो मिलना चाहिए इलाज वो तरीके से नहीं मिल रहा है इन लोग। डॉक्टर नहीं पहुँचते क्या? डॉक्टर पहुँचते, पर लास्ट स्टेज पर पहुँचते हैं तो ख़त्म हो जाती है गाय। अगर इनको कुछ समय पहले इलाज मिल जाए तो ये बच सकती है गायें। लेकिन डॉक्टर तो कह रहे हैं इतनी गायों की मौत नहीं हुई है 6 दिन में। हो ना, आप गड्ढा खुदा के देख सकते हो, प्रूफ है मेरे पास, गायों को मरने का वीडियो है और मेले में गाय इस टाइम पड़ी हुई है। अच्छा, गौशाला और खिलचीपुर नगर में करीब 6 दिन में 65 गायों की मौत का मामला सामने आया। डॉक्टर बराबर लगे हुए हैं, इलाज कर रहे हैं। अब गाय में क्या परेशानी आ रही है मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ। और डीडी वेटनरी को भी मैंने बुलाया था, उन्होंने भी मैं आके सब चेक करा है, पर वो भी मेरे को नहीं बता पा रहा कि क्या बीमारी हो रही, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, और लगातार इलाज तो डॉक्टर लोग कर, मतलब अज्ञात बीमारी से इनकी मौत हो रही है। कुछ समझ भी नहीं आ रहा, ठंड से हो रही है कि कहाँ से हो रही है। अब अपने को तो जानवर के बारे में जानकारी नहीं है, तभी अपन इनसे पूछते हैं तो ये इनका कहना पड़ रहा है कि पन्नी खाने से हो रही है। लेकिन ये डॉक्टर हैं जो समय पर इलाज नहीं कर पाते हैं, उनकी वजह से गाय दम तोड़ देती है, क्योंकि नगर में इधर उधर बीमार गाय भी है। नहीं, अपन उठा के गौशाला में ला रहे हैं, इनको बोल रहे हैं कि गौशाला में आके इलाज। लेकिन जो चौकीदार है गौशाला का, उनका कहना है कि डॉक्टर समय पे नहीं आ रहे हैं, ना इलाज मिल पा रहा है उनको। नहीं, उसको तो फ़ोन करता हूँ, डॉक्टर को बुलाता हूँ, पर कभी लेट हो जाते हैं। नाम डॉक्टर विपिन चंद आदर्श। किस पद के यहाँ पे? जी, मैं यहाँ पे पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी खिलचीपुर। ये जो गायों की मौत हो रही है, 6 दिन में 65 गायों की मौत हो चुकी है, क्यों इतनी गाय किससे उससे बीमारी से मौत हो रही है? जी, ये जैसे आप बोल रहे हैं कि 6 दिन में 65 गायों की मौत हुई, तो हमारी खबर के अनुसार इतनी तो नहीं हुई है। जहाँ तक पता है तो हमें अभी इनने बताया कि हफ्ते में हम खुद ही देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 गायों की हुई। लेकिन उनकी जो मौत भी हुई है तो कह नहीं सकते, प्राकृतिक उस वो है, इसमें कोई बीमारी का वो ऐसा लक्षण नहीं है। जो है कि अभी समय ठंड ज़्यादा बढ़ गई कभी कभी, और जो अधिकतर गायों की मौत हो रही, तो वो बाहर से लाए गए गायों की मौत हो रही है यहाँ पे। कुल मिला के नगर में तो गायों की मौत का सिलसिला जी रहा है ना? जी, नगर में जो ये गाय आ रही तो ये नगर की नहीं है, इसमें कोई दब कोई किसान या ऑनर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, उनके खाने पीने की व्यवस्था। और नगर में अगर गाय बीमार होती है तो उनका इलाज करने की जवाबदारी आपकी रहती है? जी जी, उसकी जिम्मेदारी के लिए हमने पूरे अपने विभाग में हर दिन के हिसाब से एक AVFO उनके साथ अटेंडेंट की जिम्मेदारी लगा, ड्यूटी लगा रखी है। और ख़ुद भी हमारे पास जो कॉल आते हैं तो विद इन 15-20 मिनट हम पहुंच रहे हैं, उनका इलाज भी कर रहे हैं यथासंभव जो हो सकता है। कुछ आरोप लग रहे हैं आपके कि आप इलाज करने नहीं जाते हैं गाय की, और समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से मौत हो रही है? नहीं नहीं, ये आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। उसके पास हमारे पास भी जितने फ़ोन आते हैं, आप उनसे भी बात कर लीजिए कि हाँ हम पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे, हमारा स्टाफ पहुँच रहा है रात के 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक हम पूरी वो कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। तो फिर मौत क्यों हो रही है? नहीं, इलाज का तो ऐसा है कि हमारे पास जो फ़ोन आ रहे हैं तो इमरजेंसी आ रहे हैं कि आखिरी स्टेज में है, हमसे जो हो सकता है वो करते हैं। और उनकी यदि कंडीशन देखी जाए इन जानवरों की, जो गाय माता हैं, तो बहुत ही ख़राब रहती है, मतलब खाना नहीं खाया कई दिनों से। और एक आध हमने कुछ PM रिपोर्ट भी उसकी कंडक्टर आई, तो उनमें हमें सिर्फ पन्नी मिली है उनके पेट से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।